अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला महानगर नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और नवनियुक्त वैश्य जन प्रतिनिधि मेयर पार्षद और सभासद सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें वैश्य रत्न सम्मान और राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया है। ये आयोजन 11 मार्च को रविवार खंडेलवाल सेवा सदन गोवर्धन रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग अतुल गर्ग होंगे। इसके साथ ही अध्यक्षता चेयरमैन बसेरा ग्रुप रामकिशन अग्रवाल करेंगे। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता होंगे। इस संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के सभी पदाधिकारियों ने 11 मार्च को होने वाले कार्यक्रम की वृहद जानकारी दी। इस दौरान वैश्य एकता परिषद के अध्यक्ष अमित वाघ, मीडिया ने महामंत्री दिनेश चंद्र बिंदल, कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, मीडिया प्रभारी हेमंत गर्ग के अलावा महिला कार्यकारिणी की अध्यक्ष सीता अग्रवाल, महामंत्री निधि गर्ग, कोषाध्यक्ष हेमलता वाष्णे आदि भी मौजूद रहे। वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समारोह का मूल उद्देश्य वैश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना है और उन्हें एकजुट करना है। पदाधिकारियों का कहना था कि सभी वर्गों ने अपने अपने संगठन बना रखे हैं जो पर्याप्त नहीं है। हम सभी वैश्यों को एक मंच पर आना होगा तभी राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकेंगे। वही पदाधिकारियों ने बताया कि खंडेलवाल सेवा सदन में आयोजित होने वाला ये समारोह बहुत ही भव्य और सुंदर होगा। वहीं वैश्य एकता परिषद की महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री निधि गर्ग ने बताया कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जो बहुत ही भव्य और सुंदर जा रहा है। 11 मार्च रविवार को खंडेलवाल सेवा सदन गोवर्धन रोड मथुरा में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा सम्मान समारोह व शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है जो हमारे मथुरा जिले में नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर में जितने सभासद पार्षद या चेयरमैन वैश्य समाज से विजयी हुए हैं उन सबका सम्मान अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद मथुरा करने जा रही है। दूसरा, मथुरा जिले के जो वैश्य बंधु हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसे तीन बंधुओं को वैश्य एकता परिषद वैश्य रत्न का सम्मान देने जा रही है। इसी तरह हमारी जो नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है जिले में, महानगर में, चाहे युवा का हुआ हो, चाहे महिला टीम का हुआ हो, चाहे मेन टीम का हुआ हो, ऐसे सभी ग्रुपों का शपथ ग्रहण समारोह वैश्य एकता परिषद करने जा रही है। ये कार्यक्रम सम्मेलन नहीं है, ये शपथ ग्रहण समारोह है और सम्मान समारोह है। इसके बाबत इसमें हमने ज़्यादा संख्या एकत्रित नहीं की है। 500-600 लोग जो जिले से आएंगे वैश्य समाज के बंधु, उनके द्वारा एक कार्यक्रम संपूर्ण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार इसके मुख्य अतिथि है और दीप प्रज्वलन श्री बालकिशन जी अग्रवाल जन्माष्टमी गेस्ट हाउस वाले और स्वागताध्यक्ष श्री कमल किशोर जी वासले इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रहेंगे। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुमंत गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज के बंधुओं से, वैश्य बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि 11 तारीख को अधिक से अधिक खंडेलवाल सेवा सदन में पहुंचकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। जैसा हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता ही दिया है, कार्यक्रम तो है ही, लेकिन हमारा उसमें उद्देश्य एक छिपा हुआ है जो हमारा समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है उसको, उस समाज को एकीकरण करके एक मंच पे लाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि लोकतंत्र में खोपड़ी गिनी जाती है, खोपड़ी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वैश्य समाज की विवाद राजनीतिक लोग प्रेशरली सुने, जबकि हमारा 3% जिनका वोट बैंक है उनकी बात सुनी जाती है, जबकि वैश्य वर्ग का वोट 22% है तब भी कोई बात नहीं सुनी जाती। तो क्या माना जाए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वैश्य समाज को थोड़ा सा अलग थलग किया जाता है, एक नहीं है इस वजह से? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही बात है।
तो इसी उद्देश्य से, क्योंकि अलग अलग वर्गों में है तो बात नहीं सुनी जाती, इसलिए हमने ये राष्ट्रीय स्तर पे हमारे माननीय डॉक्टर सुमन गुप्ता जी ने ये अथक प्रयास किया है, इसकी विभिन्न इकाइयाँ ग्रामीण अंचल तक पहुँचाई जा रही है, ग्रामीण अंचल तक हम इस कार्य को एकीकरण, समाज को एकीकरण के कार्य में लगे हुए हैं। भागीदारी रहेगी, क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं इसमें? सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक टीम हमने बनाई है श्रीमती ललिता गुप्ता जी के नेतृत्व में, उसमें समाज के बच्चे जो है उनको प्रशिक्षित करके विभिन्न तरह के रंगारंग कार्यक्रम, और जैसा कि फागुन का महीना अभी बीता है उसमें हम होली का भी एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, जिससे कि आगंतुक अतिथियों को मनोरंजन भी होता रहे और समाज के बच्चों की जो प्रतिभाएँ वह भी निखर कर जाएँ। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहां आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।